हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं फैंटम डिजिटल इफेक्ट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। एक एसएमई आईपीओ है आज, इसकी लिस्टिंग गेन जबरदस्त देखने को मिली। जबरदस्त बोलते एक बार वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और वीडियो में बने रहना। आगे बढ़ने से पहले जो नए सब्सक्राइबर है उनसे कहूँगा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और साथ साथ में बेल आइकन की बढ़ने के बाद देखते हैं फैंटम डिजिटल इफेक्ट के जो आज लिस्टिंग देखने को मिली। जबरदस्त लिस्टिंग हुई है। जिसको आईपीओ लगा है उनका पैसा डबल से ट्रिपल होगा। 95 रुपीज़ का आईपीओ, जबरदस्त इसका 3 गुना प्रीमियम पे देखने को मिल रहा है। चलो देखते हैं डिजिटल इफेक्ट आईपी में फिलहाल भी क्या चल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात करते हैं फैंटम इफेक्ट डिजिटल इफेक्ट के बारे में। ये आईपीओ आज स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुआ। जबरदस्त लिस्टिंग देखने को मिली, करीब 200% प्रीमियम पे, डबल से ट्रिपल जो पैसा इसमें लगाया था 95 रुपये का शेयर, आज एक दिन में लिस्टिंग के दिन भाग गया करीब करीब देखा जाए तो 302 पे, यानी पैसा डबल से ट्रिपल हो गया। जिनको आईपीओ लगा उनकी दिवाली आज पहले ही हो गई। और ये सुबह में देखा जाए तो उसने ये ओपन हुआ था 300 पे इसकी लिस्टिंग हुई, उसके बाद लो बनाया 290, और फिलहाल ये 315 पे ही ट्रेड कर रहा है। ज़बरदस्त इसके अंदर लिस्टिंग देखने को मिली, करीब करीब पैसा देखा जाए तो करीब लिस्टिंग से 95 रुपये से 229%, 229% प्रीमियम पर जाके चल रहा है। फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है आज के दिन। आज है फ्राइडे दिन और बज रहा है शाम के 4:30 बज रहे हैं। ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई है। उससे पहले हम देख लेते हैं कंपनी के बारे में और कंपनी के सब्सक्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। गाइस, हम बात करें फैंटम डिजिटल इफेक्ट के आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो 95 रुपीज़ का ये शेयर्स था, और देखा जाए तो 12 अक्टूबर को इसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गया था 12 अक्टूबर को, और 14 अक्टूबर को ये क्लोज हो गया था। और उसका फेस वैल्यू 10 रुपये था। आईपीओ एसएमई आईपीओ था जिसका प्राइस रखा गया था 29 करोड़ 10 लाख का ये शेयर था। एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स रखा गया था। ये एसएमई आईपीओ था, लेकिन जो इसके अंदर मेन डबल ट्रिपल जो ये आईपीओ स्टॉक मार्केट का लिस्ट हुआ है 200% प्रीमियम पे जो लिस्ट हुआ, इसकी मेन वजह ये थी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल और रिटेल करीब करीब देखा जाए तो दोनों को मिला के करीब करीब ज़बरदस्त इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आया था। और इसमें सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने करीब करीब देखा जाए तो 14 टाइम्स इसमें सब्सक्रिप्शन दिए हुए थे, और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर का जो सब्सक्रिप्शन आया हुआ था करीब करीब 554 यानी 555 टाइम्स इसके अंदर नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर का आया था। यानी भर भर के उन्होंने लिए थे एक लॉट के देने के लिए देखा जाए तो करीब करीब क्या होते हैं 554 शेयर्स। ज़बरदस्त। और रिटेल की बात करते हैं तो रिटेल इसके अंदर 260 टाइम्स, यानी देखा जाए तो अगर अलॉटमेंट अगर एक को देना हो तो 207 में से किसी एक को ही देना होगा। टोटल आईपीओ देखा जाए तो 29 करोड़ के लिए करीब करीब देखा जाए तो 464 टाइम्स इसके अंदर आया था। 29 करोड़ रुपये आईपीओ के लिए 464 टाइम्स इसके अंदर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आया हुआ था। और फर्स्ट डे देखा जाए तो इसमें इतना खास नहीं था, 3 टाइम्स आया। सेकंड डे करीब करीब 17 टाइम्स आया, और लास्ट डे 164 टाइम्स आया। ज़बरदस्त, मेन वजह यही है। पहले देख लेते हैं कंपनी के बारे में, जान लेते हैं क्या वजह है, कंपनी किस चीज़ पे काम करती है जिसके अंदर इतना ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला कि लोगों ने भर भर के लिया, नॉन इंस्टीट्यूशनल ने और इंस्टीट्यूशनल ने और रिटेल ने, तो करीब करीब 200 टाइम्स इसमें आया। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आया, बहुत ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आया। जो देखते हैं इफेक्ट आईपीओ जो आया हुआ है, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, और ये सर्टिफाइड टीपीएन नेटवर्क कंपनी है। देखा जाए तो ये वीएफएक्स स्टूडियो पे काम करती है और ऑफिस ऑपरेट करते हैं यूएस और कनाडा से, और ज़्यादातर वीएफएक्स सर्विस प्रोवाइड करती है। और विजुअलाइजेशन पे इनका काम दाम ज़्यादा होता है, 3D एनिमेशन, स्टोरी कोई की वो बोर्ड विजुअलाइजेशन, गेम सिनेमेटिक वो, और ये जो कंपनी है ज़्यादातर जो हम देखते हैं एड्स वगैरह में, और जैसे बहुत सारी जो बड़ी बड़ी पिक्चर आती है बाहुबली वगैरह हो, इसके अंदर एक कंपनी ने ऑलरेडी काम किया हुआ है। और मेन स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी एक ही कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ तो दी हुई है, वेल इक्विपमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करती है। और ज़्यादातर इनका फाइनेंशियल भी देखा जाए तो ज़बरदस्त फाइनेंशियल था। यहाँ लाख में दिया गया, करीब करीब 2020 में 11 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2021 में 7 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2022 में 490 लाख यानी 4 करोड़ 90 लाख का प्रॉफिट हुआ, और जून क्वार्टर में देखा जाए तो 4 करोड़ 11 लाख का इनका प्रॉफिट हुआ था। और आईपीओ जो मेन डेट वगैरह आए थे वो देख लेते हैं। 11 अक्टूबर को आए थे, 14 क्लोज हो गया था फ्राइडे, आज के दिन 21 अक्टूबर इसकी लिस्टिंग थी। और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये थी, 95 रुपीज़ का शेयर था। एक लॉट के अंदर
एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स रखे गए थे और टोटल जो आईपीओ था 29 करोड़ का था, जिसमें से फ्रेश इशू 25 करोड़ का था और ऑफर फॉर सेल 4 करोड़ का था। फिलहाल इसके अंदर एनएससी एसएमई पे लिस्ट हुआ जो कोटा रखा गया था, अलग अलग कोटा, क्योंकि इसके अंदर 17% कोटा आया था, लेकिन एचएनआई के अंदर करीब करीब 500 टाइम्स इसके अंदर देखने को मिला, और 35% जो रखा गया था रिटेल के लिए, इसके अंदर 207 टाइम्स में इसे रिटेल के लिए देखना पड़ा। फिलहाल देख लेते हैं टेंटेटिव डेट और टाइम टेबल के, तो ओपनिंग जो हुई थी 12 अक्टूबर को 14 क्लोज हो गई थी, अलॉटमेंट 12 को था, और रिफंड देखा जाए तो 20 अक्टूबर को रिफंड आ गया था, 21 अक्टूबर को अकाउंट में आ गया, और आज के ही दिन इसमें लिस्टिंग देखने को मिली, ज़बरदस्त लिस्टिंग। 21 अक्टूबर को आज ये लिस्टिंग हो गया है स्टॉक मार्केट में, ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई है इसकी। फिलहाल देख लेते हैं इसके अंदर, फिलहाल जो प्रोमोटर होल्डिंग थी 87% थी, फिलहाल अभी 66% चल रही है, ज़बरदस्त इसमें लिस्टिंग देखने को मिली है। फिलहाल अभी मेन वजह अगर देखते हैं कंपनी की, तो कंपनी का जो फ्यूचर है वो ज़बरदस्त है फ्यूचर, क्योंकि ज़्यादातर अभी जो फिल्म वगैरह बन रही है, जो वेब सीरीज वगैरह बन रही है, बहुत ज़्यादा इसमें विजुअलाइजेशन का और ज़्यादातर 3D वगैरह का ज़्यादातर इसमें यूज़ होता है, VFX से ज़्यादा काम होता है। तो कंपनी का फ्यूचर देखते हुए इसमें इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल और बायर्स और सब ने ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन भी बड़े दबा दो। ओके, थैंक यू।